हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक प्रीवियस वीडियो भी अपलोड किया था कि बाबा फ्रीड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस BFUHS, बाबा फ्रीड यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का वैकेंसी आ चुका है और उस वैकेंसी में 250 पोस्ट जो है वो स्टाफ नर्स के लिए क्या की गई है, अलाउ की गई है, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है शुरू हो रहे हैं 13 तारीख से। 13 तारीख से जो है फॉर्म भरने जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए हम जो है एक छोटी सी कोशिश शुरू कर रहे हैं कि हमने जो है बाबा फ्री 2023 से को ले को ध्यान में रखते हुए हम कुछ वन लाइनर्स, कुछ की पॉइंट क्लासेस, कुछ MCQ क्लासेस जो है कंडक्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर आप सभी को वीडियो लाइक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से डेली आपको एक क्लास जो है वो मिलने वाला है, जिसमें क्या हो जिसमें जो इम्पोर्टेंट MCQ है, जहाँ से MCQ जो है वो आ सकते हैं। और ये सारी की सारी जो क्लासेज हैं जो यूट्यूब पे, ये आपको बिना कोई कॉस्ट बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाई जा रही है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, हम बात करते हैं। तो कुछ वन लाइनर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। हम वन लाइनर पढ़ने जा रहे हैं, और वन लाइनर कहाँ से, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ वन लाइनर पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ वन लाइनर डिस्कस करने जा रहे हैं हम। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे के लिए अगर वन लाइनर की बात करें, तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है। इसका काम है कि ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना और CO2 गैस को बाहर निकालना। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, तो क्या करवाना, ऑक्सीजन इनहेल कराना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करवाना। तो जो CO2 गैस है, नंबर वन हम बात करें तो CO2 गैस वर्क एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, कि जो CO2 गैस होती है वो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम करती होती है। इसके अलावा ये जो CO2 गैस है इसको हम कहाँ कहाँ में ले सकते हैं, CO2 गैस आर यूज फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसको हम कहाँ काम में लेते हैं, इसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए भी काम में लिया जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसको आपने सिंपल भाषा में सुना होगा कि दूरबीन वाला ऑपरेशन। तो वहाँ क्या करना होता है, हमें जो कैविटी है वहाँ जो है गैस फिल करनी होती है, और उस गैस में आप CO2 भी काम में ले सकते हैं। मेनली हम जो है वो वहाँ नाइट्रोजन काम में लेते हैं, नाइट्रस। और नाइट्रस अगर हमारे पास नहीं है तो हम CO2 गैस वहाँ क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को क्या हो गया, टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गया है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, आपको पूछा जा सकता है कि इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा। टेंशन न्यूमोथोरैक्स हुआ है, इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, तो आपने बताना है नीडल ड्रेनेज। नीडल ड्रेनेज इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर नीडल टेंशन न्यूमोथोरैक्स। एक जो है वेंटिलेटर के मोड रहते हैं, जिसमें काफी फेमस मोड है CPAP, और इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि CPAP का फुल फॉर्म क्या है। तो CPAP का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसके अलावा और बातें करें तो एक डिजीज होती है जिसका नाम है प्लूराइसी, और आपसे पूछा जा सकता है कि प्लूराइसी का कार्डिनल साइन क्या है या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। तो आपने बताना है कि शार्प स्टबिंग पेन व्हेन ब्रीदिंग, जब पेशेंट क्या करता है ब्रीथ करता है तो उसको शार्प स्टबिंग पेन होता है, शार्प स्टबिंग पेन व्हेन पेशेंट ब्रीथिंग। जब पेशेंट ब्रीथ करता है तो उसको क्या होता है, शार्प स्टबिंग पेन, ऐसे लगता है जैसे अंदर किसी ने चाकू खुबो दिया हो, ऐसा पेन होता है उसको, बहुत जोर जबरदस्त वाला। इसको आप जो है क्लिनिकल साइन बोले, कार्डिनल साइन बोले, या जो है टिपिकल साइन बोले। ये क्या है, टिपिकल साइन, अगर आपको पूछ लिया जाए कि टिपिकल साइन ऑफ प्लूराइसी, तो भी आपने क्या बताना है, आपने बता देना है कि शार्प स्टबिंग पेन।
इसके अलावा आपसे जो पूछा जा सकता है कि नॉर्मली इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन रेशियो कितना होता है, कि आपको पूछा जाए कि नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेटरी रेशियो कितना होता है, तो आपने बताना है कि जितनी देर में हम एक इंस्पायरेशन करते हैं उतने टाइम में दो एक्सपायर कर सकते हैं। अगर आपको पूछे कि अगर आप पर स्लीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप क्या करवा रहे हैं किसी पेशेंट को, पर स्लीप ब्रीदिंग करवा रहे हैं, पर स्लीप ब्रीदिंग, तो उस दौरान जो है ये इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन रेशियो कितना होगा, तो आपने बताना है कि पर स्लीप ब्रीदिंग वाले पेशेंट में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन रेशियो 1:3 होता है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि आपकी चेस्ट का डायामीटर जो है वो कितना होता है, डायामीटर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चेस्ट डायामीटर, डायामीटर ऑफ चेस्ट, और इसका क्या पूछा जा सकता है, रेशियो, क्या पूछा जा सकता है, रेशियो। और आपको पूछा जा सकता है कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर है और ट्रांसवर्स है इनका रेशियो क्या होता है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर का रेशियो जो रहता है वो कितना रहेगा, वो रहता है 1:2, कि अगर आप एंटीरियर पोस्टीरियर नापें और ट्रांसवर्स को नापें तो इसका रेशियो 1:2 रहता है। अगर आपको पूछ लिया जाए, आपको बोला जाए कि एक पेशेंट जिसका क्या हो गया है, चेस्ट बैरल चेस्ट है, या आपको बोला जाए कि एक एम्फाइसेमा का पेशेंट है उसका जो है चेस्ट डायमीटर का रेशियो क्या रहेगा, तो आपने बताना है कि एम्फाइसीमा वाले पेशेंट में, एम्फाइसीमा वाले पेशेंट में, या इसी में हमें क्या देखने मिलता है, बैरल चेस्ट, बैरल चेस्ट यानी कि ढोलक जैसी, बीच में से चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, प्रोट्रूड हो जाती है, तो यहाँ जो एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर है वो कितना आएगा, 1:3, सॉरी 1:1, सॉरी कितना रहेगा, 1:1 का डायमीटर देखने मिलेगा। यहाँ जो है एंटीरियर पोस्टीरियर और जो ट्रांसवर्स है दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, 1:1 हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि जो हमारी एयर है, जो बाहर की एयर है, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होता है, अगर आपको पूछा जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, CO2 का पार्शियल प्रेशर, जो हम क्या करते हैं, एन इंस्पायर एयर, जो एयर इंस्पायर करते हैं एनवायरनमेंट से, उस एयर के अंदर जो है पार्शियल प्रेशर कितना होता है CO2 का, तो आपने बताना है कि जो हम एयर इंस्पायर करते हैं, जो इन्वायरमेंटल एयर है उसके अंदर जब हम क्या करते हैं CO2 को इंस्पायर करते हैं, तो वहां क्या रहता है, 0.3 और 5%, कितना परसेंट, सॉरी 30 प्रेशर हमने पूछा गया है ना, तो हमें बताना है कितना, 0.3 और 32 mm ऑफ Hg, 0.3 एंड 32 mm ऑफ Hg, जो हम क्या करते हैं पार्शियल प्रेशर पूछा गया है CO2 का, जो हम क्या करते हैं इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं एयर, तो जो आप इंस्पायर करते हैं उसमें कितना होता है, इंस्पायर एंड एक्सपायर एयर, तो जो आप क्या करते हैं इंस्पायर करते हैं उसमें तो होता है 0.3, और जो आप एक्सपायर करते हैं उसमें होता है 32 mmHg प्रेशर। अगर आपको पूछा जाए कि जो हम ऑक्सीजन इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, क्लियर हो रहा है सभी को, कि अगर आपको पूछा जाए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन इंस्पायर एंड एक्सपायर एयर, तो इंस्पायर एयर जो होती है उसमें 0.3 mm ऑफ Hg CO2 होता है प्रेशर के तौर पे, और जो एक्सपायर करते हैं उसमें 32 mm ऑफ Hg CO2 का प्रेशर रहता है। अगर आपको पूछा जाए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर एंड एक्सपायर एयर, तो आप क्या बताएंगे, तो आपने बता देना है कि जो ऑक्सीजन है उसका इंस्पायर और एक्सपायर के दौरान पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो 158 mmHg एंड 116 mmHg, इंस्पायर करते हैं उसमें होता है 158 और जो एक्सपायर करते हैं उसमें होता है 116 mmHg। अगर आपको पूछा जाए कि CO2 का कंसंट्रेशन कितना होता है, CO2 कंसंट्रेशन इन इंस्पायर एंड एक्सपायर एयर, और इंस्पायर एयर और एक्सपायर एयर में अगर CO2 के कंसंट्रेशन की बात करें तो इंस्पायर में तो होता है 0.03% और एक्सपायर में होता है 5%, अगर कंसंट्रेशन की बात करें। अगर आपको पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है जो इंस्पायर करते हैं उस एयर के अंदर, O2 कंसंट्रेशन
इन इंस्पायर एयर, इंस्पायर एयर में O2 का कंसंट्रेशन, तो आपने बताना है कितना परसेंट। तो जो इंस्पायर एयर है उसमें O2 का कंसंट्रेशन कितना होता है, 13.1%। कितना परसेंट, 13.1%। इसके अलावा अगर आपको पूछे कि जो ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है उसका साइड इफेक्ट क्या है, ओपियोइड एनाल्जेसिक, तो ये क्या करती है, डिक्रीज रेस्पायरेटरी रेट, रेस्पायरेटरी रेट को डिक्रीज करती है। और अगर इसका ओवर डोज हो जाए तो ये कार्डिया जो रेस्पायरेटरी अरेस्ट करवा सकती है। और अगर आपको पूछे कि ओपियोइड का एंटीडोट कौन होता है, अगर एंटीडोट से क्वेश्चन पूछे तो आपने बताना है इसका एंटीडोट कौन है, नैलोक्सोन, नैलोक्सोन इज एंटीडोट ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक, ओपियोइड का एंटीडोट रहता है। अगर आपको पूछे कि हमारी जो रेस्पिरेशन है उसकी डेप्थ और आर्ट को कौन कंट्रोल करता है, डेप्थ एंड आर्ट ऑफ रेस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड बाई, तो वो क्या होता है, तो वो जो है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन जिम्मेदार है, मेडुला ऑब्लोगाटा। और इसके साथ साथ पॉन्स, ये दोनों क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि अगर ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई ना मिले तो ब्रेन कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है, तो अगर क्या हो, इफ ऑक्सीजन सप्लाई नॉट रीच टू ब्रेन फॉर 3 to 7 मिनट, अगर 3 से 7 मिनट तक अगर ना पहुंचे तो ब्रेन क्या होने लगता है, ब्रेन में इरिवर्सिबल चेंजेस आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस स्टार्ट, क्या होने लगते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको पूछे कि क्या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से हमारी बॉडी के ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है, तो आपने बताना है कि हाँ पड़ता है। और क्या, तो अगर क्या हो, एक पर्सन के अंदर अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है, क्या होता है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी में 13% जो है ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की, अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज होता है टेम्परेचर, तो सॉरी 7% ऑक्सीजन का डिमांड जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होने की, तो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो है 4 ब्रीथ पर मिनट जो है रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना, 2 बीट पर मिनट जो है वो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है ना। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। क्या, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट हमारा नॉर्मल जो है रेस्पिरेटरी रेट रहता है। तो ये सारी की सारी बातें हैं किस रिलेटेड है, हमने कुछ की पॉइंट्स पढ़े हैं जो हमारे क्या करते हैं, हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेशन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और लेके आएंगे, और उसके अंदर हम बीच बीच में कुछ वीडियो जो है वो MCQ सेशन से लेके चलेंगे, कुछ की पॉइंट वीडियो लेके आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप कोई आप जो है अगर आपको कहीं किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है हमें बताएं, हम उसी टॉपिक से रिलेटेड क्लासेज जो है आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच।